अच्छी सर्विस सही तरीके से पास किया यहां पे और ये राहुल को अच्छा ब्लॉक। अब स्कोर का आगाज किया बिलरियागंज 1-0 अनस स्पोर्ट क्लब आपका वेलकम और खैरमकदम कर रहा है और उनकी टीम अपने गेम को शो कर रही है। इस मुकाबले को जीतना कोई आसान काम नहीं है, कौन बनेगा चैंपियन वक्त बताएगा। एक बार फिर अच्छा डिफेंड वहां पे अक्षय का और वेट पोत्र डिफेंड किया गया इस मरतबा वहां पे लेकिन अवे हुआ सभी चेंज 0-1 के स्कोर पे कि तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया जो भीड़ से निकलेगा उसी का काम बनेगा। तैयार अक्षय की खूबसूरत सर्विस बिल्कुल सही पास नहीं मिल रहा है यहाँ पे और डेढ़ ब्लॉक 1-1 एक बराबर का स्कोर। इलेक्ट्रीशियन बिल्कुल लाइट खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं कि ये मुकाबला चल रहा है आपके सामने 1-1 और फिर यहाँ पे ये क्या होगा ये अवे का इशारा आया तो यहाँ पे 2-1 का स्कोर। इलेक्ट्रीशियन जरा सा लाइट को चेक करते रहे आप। अक्षय की बड़ी खूबसूरत सर्विस थी निजी पॉइंट सेल्समैन का डॉक्टर शमीम साहब बिलरियागंज 1000 के इनाम देंगे अगर जीतती है बिलरियागंज तो अबू जर 200 और एजाज शेख 200 यानी 1400 रुपए की इनाम बिलरियागंज के ऊपर 3-1 और बड़ी खूबसूरत सर्विस एक और पॉइंट 4-1 का स्कोर। राम सागर सिंह भूमि विकास बैंक आपको बिल्कुल तैयार रखे दोस्त बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं ये मुकाबला आपके सामने हल और फिर यहां पे विलकॉट विलकॉट 1-5 5-1 का स्कोर। कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश तैयार होते हुए सही तरीके से पास किया गया यहां पे और फिट डेट ब्लॉक जरूर था लेकिन गेंद को क्रॉस करना चाह क्रॉस किया गया यहां पे शॉट पे बेहतरीन प्रहार खूब का डिफेंड अब यहां पे लेकिन आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा फिर क्रॉस किया गया था संभाल लिया गया और अक्षय आए तेज प्रहार किया एक और पॉइंट 6-1 का स्कोर। बेहतरीन अंदाज में अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन वन साइडेड एक तरफा रोकती हुई आगे बढ़ रही है अनस स्पोर्ट क्लब हंगाईपुर। जायका दरबार बिल्कुल तैयार है जायका दरबार तैयब भाई चेयरमैन प्रत्याशी बिलरियागंज अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखे और जमीन रसूलपुर अपनी टीम को तैयार रखे इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ये अवे और 7-1 का स्कोर। तो अब कुछ देर के लिए मैं जोड़ना चाह रहा हूं साकिब नौमानी को शुक्रिया। तो यहां पे बड़ी देर के बाद सर्विस चेंज का एडवांटेज मिलता हुआ बिलरिया की अच्छी सर्विस वहां पे पास किया गया फिर उसके बाद मेडल स्पाइकर आजमाया गया और सर्विस अपने फेवर करने में कामयाब 7-1 7-1 सर्विस होगी अब हंगाईपुर अनस क्लब की तरफ से। खराब सर्विस जिसकी वजह से सर्विस चेंज होकर बिलरियागंज के फेवर में हेलो 7-1 पर फिर से एक बार सर्विस चेंज लगातार यहां सर्विस चेंज हो रही है और मैं देख रहा हूं कि मुकाबला एक तरफा फेवर है हंगाईपुर के फेवर में। बहरहाल संभाल लिया अदनान ने फिर उसके बाद खालिद आए अरे बेहतरीन अटैक दिया बड़ी देर के बाद खालिद ने सर्विस अपने कब्जे में किया है तो खालिद की तरह से सारे खिलाड़ियों को बिल्कुल यहां पे आवाज उठानी पड़ेगी तब जाके बिलरियागंज इस मुकाबले में बनी रहेगी। सिर्फ खालिद के ऊपर नहीं बल्कि दोस्त आप तमाम खिलाड़ियों को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। राहुल आए वार किया और बेहतरीन अटैक के साथ सर्विस को अपने कब्जे में किया राहुल ने। दावा था मैंने देखे ना फिर दावा
और यहाँ पे अच्छी सर्विस लेकिन संभाल ना सके डिफेंडर अब बिलरिया का नतीजा एक और पॉइंट 9-1 नौ एक सर्विस कंटिन्यूएशन फ्रॉम हेंगाईपुर सिंपल सर्विस डिफेंस किया गया हम आदरान के जरिए फिर उसके बाद बैकर आए और प्रहार जरूर किया लेकिन नावे ट्राई कर बैठे लेकिन वहीं पे बेहतरीन फैसला दिया डॉक्टर सुहेल साहब ने सर्विस इस दफे अवर ऑफ अल मरमर टाइल्स बिलरियागंज सर्विस होगी अब बिलरियागंज की तरफ से नॉर्मल सर्विस अच्छा वहां पे पास दिया गया फिर उसके बाद तेरे मेरे चक्कर में बॉल डाउन नतीजा एक और पॉइंट बड़ी आसानी के साथ अपने नाम किया 2-9 तो 9 सर्विस पर अच्छी सर्विस फिर सवाल लिया गया राहुल के जरिए और उसके बाद सावन को आजमाया गया और सावन का बेहतरीन अटैक आता हर संभाल ना सके नतीजा सर्विस चेंज तो वन बाउंस करने वाले खिलाड़ियों को अलमरमा ट्राइल्स गैलेक्सी एल्युमिनियम हाउस और टीआरजे कैफे की तरफ से 500 रुपए की इनाम दिया जाएगा लंबा क्रॉस यहां पे खालिद का लेकिन अवे ट्राई कर बैठे बहुत दूर ट्राई कर बैठे वाइड का इशारा आया और यहां पे एक पॉइंट अपने नाम किया 10-2 नॉर्मल सर्विस रिसीव किया अच्छी तरह से फिर उसके बाद सोएब का लंबा क्रॉस 3 ने सवाल अक्षय के लिए और यहां पर आउट ट्राई कर बैठे अक्षय रसूलपुर निहाल एंड कंपनी रसूलपुर अपने पूरे खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल तैयार रहे जायका दरबार तैयब आजमी की टीम भी बिल्कुल तैयार रहे और यहां पे फिर अतहर ने संभाला खालिद आए फिर अधहर आए इस मैच करना चाहा और उस तरह से 3-10 3-10 सर्विस पर बिलरियागंज अच्छी सर्विस संभाला है राहुल ने फिर यहां पे राहुल को आजमाया गया लेकिन वहां पे अच्छा पास दिया गया खालिद को आजमाया जा रहा है और यहां पे बेहतरीन अटैक छोटी सी गेंद और बड़ा प्यारा अटैक दिया सावन ने सर्विस अपने कब्जे में किया है अच्छी सर्विस मिट्टू भाई ने डिफेंस किया यहां पे फिर उसके बाद अदनान चलती गेंद पर बड़ी तेजी के साथ आक्रमण किया सर्विस अपने कब्जे में किया है तो सर्विस पर समयुद्दीन फ्रॉम अल मरमर टाइल्स बिलरियागंज अच्छी सर्विस वहां पे फिर लंबा क्रॉस किया गया फिर समयुद्दीन ने संभाला अतहर आए उसके बाद लंबा क्रॉस शोएब का फिर 3 ने संभाल लिया फिर यहां पे बेटल स्पाइकर चोर दरवाजे से क्या वार और उस तरह से सर्विस को फिर अपने कब्जे में किया अच्छी सर्विस रिसीव किया अतहर ने खालिद आए और थर्ड लाइन पर प्यारा अटैक देकर सर्विस अपने नाम किया खालिद ने 3-10 सर्विस पर तो यहां मैं देख रहा हूं दोस्त नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल आए तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहा है साकिब खान गुलवा गौरी मैं देख रहा हूं कि यहां अपना कीमती समय दे रहे हैं और 10-3 का स्कोर सर्विस चेंज होकर हेंगाईपुर अच्छी सर्विस अतहर का अच्छा पास कहा जाएगा चलती गेंद पर आजमाया गया अदनान को लेकिन फिर खालिद आए पावरफुल अटैक तो जरूर लेकिन बहुत दूर ट्राई कर बैठे 11-3 सर्विस हेंगाईपुर जिस टीम को इस बाल सरकार है खालिद साहब और आदिल साहब हेंगाईपुर अरे वाह 3-11 तो जायका दरबार और रसूलपुर ये दोनों टीम बिल्कुल अपने सारे खिलाड़ियों के साथ आरास्ता पर रास्ता रहे मेडल स्पाइकर को आजमाया गया और उस तरह से अपनी आजमाइश में कामयाब स्कोरर 11-3 संभाल लिया फिर उसके बाद शोएब खालिद को आजमाया और यहां पे बेहतरीन प्रहार दिया खालिद ने लेकिन अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता पूरी टीम को मेहनत करना पड़ेगा तब जाके बिलरियागंज कुछ कर दिखाएगी हो गया अरे तो खाए बड़ी देर के बाद
एक पॉइंट का एडवांटेज मिलता हुआ टीम ऑफ अल मरवा टाइल्स बेलरियागंज, लेकिन यहां पे खराब सर्विस। अगला मुकाबला जायका दरबार वर्सेज रसूलपुर गैलेक्सी अल्मोनियम हाउस रसूलपुर फरहान अख्तर एंड कंपनी वर्सेज जायका दरबार तैयब आजमी। ये दोनों टीम अपने खिलाड़ियों के साथ तैयार रहे। अक्षय का लंबा क्रॉस संभाल लिया यहां पे समीउद्दीन ने और फिर यहां से बैक से आया वार किया, खालिद ने संभाला शोएब खालिद के लिए, लेकिन बड़ी देर से बाल फेदा में गोते लगा रही है और उस तरह से नेट चार्ज करते पकड़े गए मोहम्मद खालिद। नतीजा पॉइंट की सूरत में 12-4 सर्विस लगातार हेंगाईपुर की तरफ से। राहुल स्मैशिंग सर्विस, लेकिन यहां संभाल ना सके मोहम्मद अतहर। अतहर अगर इसी तरह से आप नजाकत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बिलरियागंज ये मुकाबला हार जाएगी, कि नजाकत बन नहीं सकती हसीनों के बनाने से, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल आए हुए तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहा है साकिब खान गुलवान। 14-4 का स्कोर। नाउ गेम पॉइंट कैप्टन रेडी अल मरमर टाइल्स बिलरियागंज। अच्छी सर्विस खालिद आए और उस तरह से अपने मिशन में नाकाम। तो इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ हेंगाईपुर अनस क्लब हेंगाईपुर ने अपने नाम किया।